बीती ताही विसार दे, अब आगे की सोच, यानी जो पूर्व में हो चुका उसे भूल जाइए और अब आगे के समय को अपने अनुसार बदलने में कार्यरत होइए। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि शनि की साढ़े साथी बहुत कष्ट प्रदायक होती है। मैंने पिछले समय में कुछ लोगों को जब मकर की साढ़े साथी चल रही थी उस समय पर उन्हें कुछ उपाय बताए थे जिसकी वजह से वो लोग इस समय पर बहुत खुश हैं। उनका ये कहना था कि साढ़े साथी का प्रभाव उन्हें छू भी नहीं पाया और जीवन में उन्होंने जितनी सफलता की है इस साढ़े साथी के दौरान ही अर्जित की है। इस साढ़े साथी को अगर देखा जाए तो उनके जीवन में यह साढ़े साथी बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रभाव लेकर आई है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आप भी साढ़े साथी के प्रभाव को अपने लिए अछूता कैसे करें। तो देखिए, हमारे ज्योतिषकारों ने जब ये शास्त्र बनाया था, ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नियम भी उन्होंने बनाए थे। इस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसा परिवर्तन करके, कुछ अपनी भी दिनचर्या में परिवर्तन करके हम अपने समय को अपने अनुसार कर सकते हैं। अपने भाग्य में देखिए निगेटिव प्रभाव को बिल्कुल कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्हें बहुत कम कर सकते हैं और पॉजिटिव प्रभाव को हम बढ़ा सकते हैं। ये सब हमारे अपने ही हाथ में होता है, बस फर्क ये होता है कि उसे हम अपने जीवन पर क्रियान्वित किस तरीके से करें। कुछ लोग गलत तरीके से क्रियान्वित करते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलता और उनका विश्वास उठ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरे सटीक तरीके से, सटीक विधि से हर चीज़ बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो देखिए, जीवन में पुरुषार्थ सभी करते हैं, पुरुषार्थ का लाभ भी सबको मिलता है, लेकिन सेम पुरुषार्थ का किसी को बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है और किसी को बिल्कुल नगण्य मिलता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। दो व्यक्ति थे, उन्होंने समुद्र में गोता लगाया, दोनों के हाथ सीप आई, दोनों बाहर आ गए। अब एक व्यक्ति के सीप में मोती था और एक व्यक्ति का सीप खाली था, तो इसे क्या कहेंगे? पुरुषार्थ में कमी कहेंगे? ये होता है हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर, जो हमारे ग्रह गोचर निर्मित हो किए जा चुके हैं उनके प्रभाव से। सेम पुरुषार्थ दोनों ने किया लेकिन एक को मोती मिला और एक को खाली सीप मिल गई। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि शनि देव के प्रभावों को हम किस तरीके से बहुत कम कर दें। साढ़े साथी का ये दौर है जो छूकर सिर्फ निकल जाए और हमें पता भी ना चले, तो इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इस समय शनिदेव आपके बैठे कहाँ पर हैं? शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं व्यय भाव में, जो कि विदेश का घर होता है, व्यय का घर होता है, आपके कोर्ट कचहरी का घर होता है। तृतीय दृष्टि आपके कुटुंब पर जा रही है, आपके पैतृक संपत्ति पर जा रही है, आपके बैंक में संचित धन पर जा रही है, आपकी वाड़ी पर जा रही है। सप्तम दृष्टि आपके शत्रु, बीमारी, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, रोग शोक। और दशम दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके भाग्य भाव पर, भाग्य को चैलेंज करेंगे। तो इन सभी चीज़ों में हम किस तरीके से कमी लेकर आएं? देखिए, शनि देव कौन है? दंडाधिकारी हैं, और दंडाधिकारी स्वयं तो कुछ कार्य करेगा नहीं, दंडाधिकारी सिर्फ आपके कर्मों के अनुसार आपका लेखा जोखा तैयार कर देगा, आगे बढ़ा देगा। तो वो आगे किसे बढ़ाता है? वो आगे बढ़ाता है राहु देव को, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा, हर वीडियोस में सुना होगा, जो ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, जो राहु देव हैं शनिवत कार्य करते हैं और इस समय पर हम शनि देव के प्रभावों में कमी करेंगे, शनि देव का प्रभाव कम करेंगे। अब सबसे पहले तो देख लीजिए व्यय भाव में। अब सबसे पहले देखिए, आपके खर्चों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है इस समय पर, तो खर्चों पे आपको आवश्यक अनावश्यक में, क्योंकि इस समय आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके पैसा कहाँ से आ रहा है और किधर को जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम नल कोई खुला छोड़ गए हैं और पूरी टंकी हमारी खाली हो जाती है, पैसा इस तरीके से आपके हाथ से फिसल रहा है।
सबसे पहले उसे पकड़िए। आप देखिए आपके जीवन में क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। दूसरा देखिए इनकी नज़र कहाँ पर है, बैंक पर। आपको कुछ ना कुछ करके बैंक में बेशक आप थोड़ा ही पैसा जमा कराएं, लेकिन प्रतिमाह आप बैंक में पैसा जरूर जमा कराएं। ऐसा करने से होगा क्या कि आपका द्वितीय भाव जागृत होगा, आपका बैंकिंग क्षेत्र जो है, आप बैंक में पैसा जरूर डालें। द्वितीय भाव में हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि द्वितीय भाव जागृत करने का आपको क्या करना है, आपको पैसा उस बैंक में जरूर जमा करना है, डिपॉजिट करना है। सप्तम दृष्टि जा रही है शत्रु पक्ष पर, रोग पर, शरण पर। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रोग शोक कोई चाहता नहीं है, लेकिन इस समय पर आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, दांतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके जोड़ों में, घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में चोट चपेट की संभावना हो सकती है। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और क्या है कि आपको देखिए शत्रुपक्ष, शत्रु प्रबल रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उनको अवॉइड करना है, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, क्योंकि आपका देखिए प्रथम चरण चल रहा है। इसके अलावा भाग्य के लिए चैलेंज करेंगे तो आप पुराने जो आपके काम जिन्हें आप भूल चुके हैं या आपका कोई ऐसा आय का स्रोत था उसे रिस्टार्ट कीजिए। अब नए काम की तरफ अभी फोकस मत कीजिए। अभी मैं जो उपाय आपको बताऊंगी उन उपायों को 3 से 4 महीने करने के बाद नए कार्य पर आप फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए समय आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं देखिए शनि देव के प्रभाव को, राहु देव के प्रभाव को। देखिए मैं बहुत सटीक आपको उपाय बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यही बताऊँगी कि रुद्राक्ष या बीज मंत्र का जाप, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो 3 से 4 महीने देखिए आपका समय ले लेती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बीज मंत्र का प्रभाव नहीं मिल रहा है, किंतु 3 से 4 माह बाद का जो समय आता है वो आपके लिए खुशियों से भरा हुआ होता है। आपके ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं, और जितना ज़्यादा आप जाप करते जाएंगे, जितना ज़्यादा बलि करते जाएंगे अपने ग्रह को, उतना ज़्यादा आप खुश उस ग्रह से संबंधित सुख मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए तो राहु देव का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, और शनि देव का बीज मंत्र है ओम शनि शनिश्चराय नमः। अब बात करें अगर आप ये जाप नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप देखिए इनकी पोटली होती है, आप एक काला कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले सकते हैं या कोई छोटा कपड़ा ले सकते हैं। उस कपड़े में एक पानी वाला नारियल रखें, छोटी छोटी 7 मुट्ठी काले तिल रखें, 7 छोटी छोटी कील रखें। आप 100 ग्राम 50 ग्राम लाकर बाजार से रख लीजिए, 7 छोटी छोटी कीले रखें, 7 काले चने रखें, 7 काले सुरमा की पोटली रखें। ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 10 या 20 रुपये का अगर आप लेंगे तो वो आपका 4 से 5 सप्ताह आराम से चल जाएगा। तो काले सुरमे की छोटी छोटी 7 डलियाँ रखें, 7 लौंग रखें, 7 काली मिर्च रखें। इस पोटली को गांठ लगा दीजिए। अब इस पर गांठ लगाने के बाद में 4 छींटे दें सरसों के तेल की। इसे ले जाकर अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए। शनि मंदिर में शनि देव के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हे शनि देव, मैं अपने कष्टों को आपको समर्पित करता हूँ और मेरे जो भी निगेटिव कर्माज हैं उनको आप मुझे कर्म बंधन से मुक्त कीजिए। ऐसा आपको करना है प्रति वर्ष में 7 शनिवार लगातार। आप देखेंगे कि आपके जीवन से 7.5 साथी का दौर बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 7.5 साथी आएगी जरूर। और दूसरा अपने जीवन में देखिए कर्मों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। अपने जीवन में कभी भी किसी को अपशब्द ना कहें। शनि देव की ये विशेष बात है, शनि देव जो है सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं सही साकी 7.5 साथी आती है व्यक्ति को तोड़ने के लिए। किसी को कभी आप शब्द ना कहें, चाहे वो आपके घर में सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, हाउसकीपिंग ही क्यों ना हो, तो कभी भी किसी को आप शब्द ना कहें। किसी का बेईमानी का धन ना लेकर आए। घर में ये नियम बना लीजिए कि 1 रुपया भी आपको बेईमानी का नहीं आने देना है। और ये चीज़ गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने 1 रुपया भी बेईमानी का लिया तो वो 1000 रुपये बनकर आपसे निकल जाएगा, किसी भी तरीके से निकले।
तो आपको इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है, किसी को कटु वचन नहीं करने हैं। और शनिदेव कारक होते हैं चाचा के, तो आपको चाचा को कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए। इसके अलावा आपको करना क्या है, देखिए चींटियों को सतनजा खिला सकते हैं, काली चींटियाँ होनी चाहिए। अब उसमें क्या लाल चींटियाँ भी आ जाती हैं तो कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। आप एक सरसों के तेल का दीपक 3 मुखी अपनी दहलीज पर 43 दिन लगातार जलाएं। बस मात्र इतने, इनमें से कोई एक या दो उपाय आप पकड़ लीजिए और करने लग जाइए, फिर देखिए आप अपने जीवन में चमत्कार। साढ़े साथी जो आपके ऊपर आई थी वो सिर्फ आपको छूकर निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि साढ़े साथी जो है कैसी होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।